मैं शैतान वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, कुछ ऐसे मेरे बहन भाई हैं, नमाज सब पे फ़र्ज है, मर्द औरत हो, मर्द हो औरत हो, दोनों पे नमाज जो है फ़र्ज है। बल्कि 10 साल का जो बच्चा है उस पे भी सख्ती से नमाज का और रोज़े का हुक्म हुआ है, उन पे भी फ़र्ज है। तो मेरे बहन भाइयों, कुछ मेरे बहन भाई ऐसे हैं, मेरे बड़े जो कि मेरे माँ बाप के बराबर हैं, या छोटे हैं, या ऐसे हैं, या यंग लड़के लड़कियां भी कुछ ऐसे हैं, पाए जाते हैं, नज़र में हैं। तो मेरे बहन भाइयों, जो कोई जिसको नमाज नहीं आती है, कुरान पाक नहीं आता है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं आती, किसी वजह से आप नहीं पढ़ सके हो, नमाज नहीं आपको आती, पढ़नी नहीं आती, तरीका नहीं आता आपको, कुरान पाक नहीं आपको आता है, तो मेरे बहन भाइयों, तो इलम हासिल करना तो कब्र तक हमारे लिए वाजिब है। हमें चाहिए कि हम इलम हासिल करना, तो हमें कोई मसला नहीं है कि हम बड़े हो गए तो हम अब इलम हासिल नहीं कर सके। आप किसी के पास भी आप कुरान पाक का एक एक लफ्ज़ भी लेने लगे तो माशाल्लाह आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी हो सकता है कि मेरे अल्लाह ताला आपको इतनी ज़िंदगी दे दे कि अल्लाह मेरा ये बंदा कुरान पाक पढ़ रहा है, और अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे दे, माशाल्लाह माशाल्लाह आप कुरान पाक पढ़ लें और अल्लाह ताला इस दुनिया से जब जाएँ तो माशाल्लाह आपके पास ये इतना ये कुरान पाक की कुरान पाक जो आपके पास हो, आपके सीने में हो, तो आपने पढ़ा हुआ हो, तो कितनी बड़ी बात है मेरे बहन भाइयों। आप शर्माएं नहीं, शर्माना नहीं चाहिए। आपको नमाज नहीं आती तो आप पढ़नी सीख लो, अगर आपको कुरान नहीं आता तो आप पढ़ना सीख लो। ये माशाल्लाह से इतना प्यारा महीना है, आप लोगों को मैं कह रही हूँ मेरे बहन भाइयों, अल्लाह ताला मेरे बहन भाई हैं या बड़े हैं जो भी हैं, बच्चों के बराबर हैं, आपको अगर कुरान पाक या नमाज नहीं आती तो आप सीख लें, तो सीखने में कोई हर्ज नहीं है, कोई शर्म महसूस नहीं किया करें आप ऐसे कामों में। अच्छे कामों में कभी भी शर्म महसूस ना किया करें, अगर शर्म महसूस करनी है तो गंदे कामों में करनी चाहिए, बुरे कामों में करनी चाहिए, बुरी हरकतों से करनी चाहिए। अगर आप लोगों को कुरान नमाज नहीं आता मेरे बहन भाइयों, तो सीख लो। आपके घर में आपके बहन भाई पढ़े लिखे होंगे, या आपके औस पड़ोस में पढ़े लिखी मेरी बहनें भाई होंगे, तो मेरे बहन भाइयों आप जाके पढ़ा करें माशाल्लाह से माशाल्लाह। अभी तो हमारा इस्लाम माशाल्लाह इतना ज़्यादा है कि जगह जगह पे मदारस बने हुए हैं माशाल्लाह से, स्कूलों में भी पढ़ाई हो रही है। तो आप शर्माया ना करें, आप बल्कि कह दिया करें कि हमने सीखना है, हमने पढ़ना है, तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो आपको पढ़ाएगा नहीं। तो मेरे बहन भाइयों, अल्लाह ताला आप लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। आपने ये लाजमी करना है कि अगर कोई कुरान पाक नहीं पढ़ा तो वो पढ़ ले, अगर कोई नमाज नहीं आती तो वो भी सीख ले, कोई सीखने में कोई हर्ज नहीं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखरु दावना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।